इस वीडियो में मैं तीन मेन रीजन कवरअप करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे जो मांस है या मछली है या फिर अंडे हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए खास तौर से। अगर आप बेसिकली डाइजेशन सिस्टम देखें मनुष्य के शरीर का या जो मांसाहारी एनिमल्स हैं उनके शरीर का, तो उसमें काफी डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य का शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो शाकाहारी एनिमल से काफी मिलता है, और उनके अंदर क्या है कि जो आंत की लंबाई है वो काफी लंबी है, जो शाकाहारी फूड है वो उसमें आराम से डाइजेस्ट हो सके। अब क्या है, जो मांस है ये या अंडे भी हैं, ये इतने आराम से डाइजेस्ट होते नहीं है, इनके डाइजेशन में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए सम हाउ नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि मांसाहारी एनिमल्स हैं उन सबके जो छोटी आंत की लंबाई है वो काफी छोटी है, तो उसका बेसिकली पर्पज ये है कि फूड उसमें जाए और जल्दी से उसमें से बाहर आ जाए, क्योंकि ये फूड मांसाहारी फूड काफी एसिडिक भी होता है। तो अगर आप यही फूड जो मांसाहारी फूड है जो आराम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है आप एक लंबी आंत में डालेंगे, तो एक तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, दूसरा उसमें से वो पास ऑन इतने आराम से नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या है वो फूड जाकर उसमें सड़ेगा, और अगर फूड सड़ेगा तो अल्टीमेटली बीमारी आनी ही आनी है। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि अगर आप एक मांसाहारी फूड खाते हैं जो मनुष्य अगर खाते हैं, जो कि हमारा जो सिस्टम है जो शाकाहारी फूड के लिए डिजाइन है, उसमें अगर आप मांसाहारी फूड डालेंगे जो कि आराम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो बीमारी को ही आमंत्रित करेगा, वो बेसिकली डिसीज को ही इन्वाइट करेगा। सो दैट इज नंबर वन रीजन। नंबर टू, अब देखिए कसाई घर के अंदर जैसे जो जानवर हैं जो कटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और उनको भी दिखाई दे रहा है कि दूसरे एनिमल्स हैं उनको काटा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि उनके शरीर के अंदर एक फियर के हार्मोन्स या एक केमिकल्स रिलीज होंगे फियर के बेसिकली, जो कि ऑब्वियसली उनकी बॉडी में रह जाएंगे। जैसे उनको जब काटा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है कि उनको काटा जाना है, तो ये डर के जो हार्मोन्स हैं वो या डर के जो केमिकल्स हैं जो उनकी बॉडी में निकल रहे हैं वो ऑब्वियसली उनकी बॉडी में रह जाते हैं। तो अगर आप उस एनिमल्स को खाएंगे या उस मांस को खाएंगे जिसके अंदर वो फियर्स के केमिकल्स भी हैं, सो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में आके डिफॉर्मेशन तो कुछ ना कुछ लाएंगे ही लाएंगे ना। और तीसरा रीजन बेसिकली, अगर आप ध्यान के अंदर, अगर आप मेडिटेशन के अंदर डीप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, एक ऐसे हिंदी में कहावत भी है, समबडी सेड कि भाई जैसे, आई थिंक जैसा खाए मन वैसा उपजे मन, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप मांसाहारी फूड खाएंगे तो आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप डीप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, डीप समाधि में जाना चाहते हैं, तो वहां जाके आपको महसूस होगा कि आपके मन में बहुत ज्यादा अशांति होगी, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होगी अगर आप मांसाहारी फूड खाएंगे। और ये भी एक रीजन है कि जितने भी ध्यान के केंद्र होते हैं वहां पर जो भी फूड आपको मिलेगा, चाहे कहीं पर भी चले जाइए, वो मांसाहारी फूड नहीं होगा, वो हमेशा शाकाहारी फूड होगा, वेजिटेरियन फूड होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तीन रीजंस ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य को, जो कि अगर आप मांस खाते हैं, मांसाहारी फूड खाते हैं, चाहे मछली है, चाहे अंडे हैं, चाहे मांस है, ये काफी नुकसानदायक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप फिर भी मांस खाना चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो कि नॉन वेजिटेरियन है या जो मांस वगैरह खाते हैं, मांस मछली अंडे वगैरह खाते हैं, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस टिप्स मिलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एडअप करूंगा सो दैट इट कैन हेल्प यू। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।